दोस्तों, अगर आप एक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बार के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 10th और 12th क्लास के लिए, तो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। आपको पता चलने वाला है कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर जो आ रही है आज की अपडेट में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी खबर है। अगर आप एक यूपी बोर्ड 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए, तो खबर ये है कि इस बार 10वीं और 12वीं के छात्रों को दो बार देनी होगी बोर्ड परीक्षा। सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। तो यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ जो patrika.com जो है वेबसाइट पे लॉन्च किया गया है आज ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ से लिखा मिलेगा कि यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र बोर्ड परीक्षा से पहले भी एक बोर्ड की परीक्षा देंगे। सभी राजकीय सहायता प्राप्त और वित्त विहीन स्कूलों इस परीक्षा का आयोजन दिसंबर और जनवरी महीने के पहले सप्ताह में करेंगे। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को दो बार बोर्ड परीक्षा देनी होगी। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि 10th और 12th के छात्रों को बोर्ड की परीक्षा के पहले रिवीजन कराया जा सके। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी जितनी भी रिवीजन हो जाएगी बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, उतना ही आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो आई थिंक ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है आपके लिए कि आपका जो है वो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम भी होगा बोर्ड एग्ज़ाम से पहले। सो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है आपके लिए और आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है कि बोर्ड की खास पहल, माध्यमिक शिक्षा परिषद में सुधार के साथ ही प्रत्येक जिले में टॉपर्स की संख्या बढ़ाने की योजना पर कार्य कर रहा है। इसके तहत बोर्ड परीक्षा की तरह इस बार प्री बोर्ड परीक्षा भी करवाई जाएगी, जिसमें कम अंक पाने वाले छात्रों की विशेष शिक्षण विधि से कमजोरी दूर की जाएगी और अच्छे अंक पाने वाले विद्यार्थियों को टॉपर बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बोर्ड ने इस आशय से यह निर्देश सभी जिले के DIOs को भेजा है। वहीं यह आदेश मिलने के बाद DIOs RK जायसवाल ने जिले के सभी प्रधानाचार्य को पत्र भेजकर इस दिशा में प्रयास शुरू करने के आदेश दिए हैं, ठीक है दोस्तों। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आपका प्री बोर्ड जो है वो दिसंबर में होने वाला है। इस तरीके से आप तैयारी करें कि आपको प्री बोर्ड में भी अच्छा अंक आए। अगर किसी भाग्यवश अच्छा अंक प्राप्त नहीं हो सकता है अगर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको विशेष प्रकार की सुविधा दी जाएगी और विशेष शिक्षण द्वारा आपकी जो है वो स्टडी को और इंक्रीज़ किया जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और टॉपर्स की संख्या इस बार बढ़ाने की जो है योजना बनाई जा रही है योगी सरकार के तरफ से। अब ये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि 15 नवंबर तक पूरा हो जाए कोर्स। माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद से DIOs को जो पत्र भेजा गया है उसमें कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा का कोर्स हर साल में 15 नवंबर तक पूरा करा दिया जाए। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद दिसंबर या जनवरी के महीने में प्री बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। बोर्ड परीक्षाएं की तरह ही कापियों का मूल्यांकन कराया जाएगा, जिसके बाद जिस विषय में विद्यार्थी के कम नंबर आएंगे उस विषय में विद्यार्थी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो देख पा रहे होंगे आप इस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है आपके लिए और आपके प्रिपरेशन के लिए। और जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कह रहा है वो ये है कि टॉपर बनने की तैयारी, प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर ही मेघावी छात्रों को चिन्हित कर लिया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी जो बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा अंक लाने के लिए प्रेरित किया जाए। इतना ही नहीं, माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यार्थी को यह भी बताया जाएगा कि गत वर्ष मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च अंक पाने वाले विद्यार्थी के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया था। इसमें विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया, उन्हें नकद राशि भी दी गई। विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए कि इस बार सर्वोच्च अंक आने पर भी उन्हें सम्मान मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और आप इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं हमारे इस चैनल पे और यूपी बोर्ड की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये दोस्त
ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको दोस्तों को पता लगनी चाहिए, तभी आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा हाई कर सकते हैं और इस प्रिपरेशन के माध्यम से आप अपने प्री बोर्ड के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं और उसमें अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए एंड वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।